गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 9 ऑफ क्लास 7। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिवीजन के बारे में कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं हमारे इंटीजर्स को एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हिच आर शोन बाय द इंटीजर्स अंडर डिवीजन। इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए, सबसे पहले जो हमारे सामने प्रॉब्लम है वो है -30/10। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो एक नेगेटिव इंटीजर है -30, एंड सेकंड इंटीजर जो 10 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है 10। जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते थे तो हम क्या करते थे, सिंपली सबसे पहले तो हम 30 को डिवाइड करेंगे 10 से। जब हम 30 को डिवाइड करते हैं 10 से तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी, वो आंसर होगा हमारा 3। लेकिन हमें यहाँ पर कंसिडर करना है जो नेगेटिव साइन है उसको भी। तो जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो पहला जो पार्ट है, जो हमारा पहला काम है वो है डिवाइड करना होल नंबर्स को। तो 30 को अगर हमने डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 3, द रिजल्ट इज 3। लेकिन जो 3 है वो हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर नहीं है, हमें कंसिडर करना है नेगेटिव साइन को। अब नेगेटिव साइन क्योंकि एक जगह यहाँ पर एक ही नंबर में है तो इसलिए जो रिजल्ट है हमारा वो हो जाएगा माइनस। जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट होता है हमारे पास -3। तो इसका जो रिजल्ट है दैट विल बी -3। सेकंड क्वेश्चन इज -31/(-30+-1)। यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सोल्व करना होगा, एक्सप्रेशन को सोल्व करना होगा, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर जो डिवीजन है उसे सोल्व करेंगे। देखिए, -31/(-30)/(-1)) ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉलर ब्रैकेट्स हैं, हम पहले उन्हें सोल्व कर लेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दैट विल बी -30, और यहाँ पे प्लस माइनस, बाहर प्लस साइन है, ब्रैकेट के अंदर -1 है, माइनस साइन है, तो प्लस माइनस विल बी माइनस, -30 -1। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -31/(-30)-1), माइनस माइनस प्लस, 30+1 (31), और क्योंकि दोनों नंबर का साइन सेम है माइनस माइनस है तो इसलिए -31। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है दैट इज -31/(-31)-31 को हमें डिवाइड करना है -31 से। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जब हम चेक करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं हम एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, तो हम सबसे पहले होल नंबर्स को डिवाइड, ऑल नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 31 को डिवाइड करेंगे 31 से, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट होता है 1। हमने पढ़ा है जैसे कि 7/7=1, 4/4=1, सो 31/31 will be equal to 1। अब यहां पर जो देखने वाली चीज है वो है माइनस साइन, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन दोनों इंटीजर्स में, हमारे पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है, तो हमने पढ़ा है जब नेगेटिव इंटीजर्स की डिवीजन होती है तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, मींस जो इसका आंसर है दैट विल बी +1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिल, ये एक हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। -206 को अगर हम डिवाइड करें एक नंबर से इट इज इक्वल टू 1, -206/(something) = 1। अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करें तो वो 1 के इक्वल होगी, तो हमें फाइंड आउट करके बताना है वो वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, 1 इज द रिजल्ट। और यहाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमारे पास रिजल्ट आया है 1, प्लस 1 का मतलब ये है 1। वहां पर अगर हमने 1 के सामने प्लस साइन नहीं लिखा, इसका मतलब वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज इक्वल टू 1। यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं और दोनों इंटीजर सेम है, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू सेकंड इंटीजर, दोनों इंटीजर्स अगर सेम है उसे हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट है वो आता है 1, जैसा हमने यहाँ पे देखा 1। तो अगर -206 को हम डिवाइड करते हैं दूसरे -206 से तो रिजल्ट होगा 1। इसका मतलब जो हमारा फिलअप है उसके अंदर आएगा, जो आंसर है वो आएगा -206। क्लियर। आगे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के स्टेटमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम, जिससे हमें डिवीजन का कंसेप्ट समझने में
और ज्यादा आसानी होगी उसे अच्छे से समझने। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। एट 12 नून, एट 12 नून टेम्परेचर वाज 12 डिग्री अबव सेल्सियस। तो 12 नून को जो टेम्परेचर था वो था प्लस 12, वो 12 डिग्री अबव था, 12 डिग्री अबव था जीरो से, सॉरी at 12 noon it was 10 degree celsius, so plus 10. After that, if it decreases at the rate of 2 degree celsius per hour until midnight, तो जो decrease होने का rate है, rate of decrease, किस rate से decrease हो रहा है वो, rate of decrease 2 degree per hour, 2 degree per hour, मतलब कि 1 hour में वो 2 degree decrease होता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको डिक्रीज इन वन आर, डिक्रीज इन वन आर, एक आर में कितना डिक्रीज होता है वो माइनस टू, एक आर में हमारा जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिक्रीज कहो या आप कह सकते हो चेंज, उसके अंदर जो चेंज आता है वो कितना आता है माइनस टू डिग्री सेल्सियस, वो माइनस टू डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। उसके बाद एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो हमें पूछा गया है एट व्हाट टाइम, At what time it will be below, it will be 8 degree Celsius below zero. 8 degree Celsius below zero का मतलब क्या होता है? Negative side means minus 8 degree Celsius. मतलब 10 डिग्री से जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है माइनस 8 डिग्री तक। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आवर्स, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ आवर्स कितने आवर बीत जाएंगे उसके बाद जो टेम्परेचर है वो माइनस 8 तक आ जाएगा, मतलब हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है। 12 नून पे वो है 10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ये है हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर माइनस 8 टेम्परेचर हो जाना चाहिए, चेंज आ जाना चाहिए अप टू माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, और पहले वो कितना था 12 नून में 10, सो माइनस 8 माइनस 10 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 18 डिग्री सेल्सियस, चेंज कितना आना चाहिए टेम्परेचर में माइनस 18, माइनस 18, और उसमें चेंज का रेट क्या है, किस दर से चेंज हो रहा है, एट माइनस टू डिग्री पर आर, मतलब हर आर में वो माइनस टू डिग्री चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम आर्स रिक्वायर्ड टू चेंज, कितने आर्स में वो चेंज हो जाएगा उसे अगर फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 18 डिग्री चेंज करना है एट द रेट ऑफ माइनस टू डिग्री सेल्सियस पर आर, सो हम डिवाइड करेंगे, माइनस 8 को डिवाइड कर दिया हमने माइनस 2 से, मतलब माइनस 18 चेंज करना है 2 डिग्री पर आर, तो 2 डिग्री पर आर चेंज होगा से, अगर 4 डिग्री चेंज होना होता तो 2 के रेट से तो उसे 2 आवर्स लगते, 6 डिग्री चेंज होना होता तो 3 आवर लगते, मतलब हम वहां पर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां भी हम क्या करेंगे माइनस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 9, आंसर इज 9 आवर्स, माइनस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आवर्स लगेंगे उस टेम्परेचर को फॉल होके माइनस 8 डिग्री तक पहुंचने में, और अभी क्या टाइम है 12 नून में अगर आप 9 आवर्स ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं हमारे 9 o'clock इवनिंग के, सो जो टाइम है वो हो जाएगा हमारे पास 9:00 PM, 12 नून से वो टाइम हो जाएगा 900 PM। ओके, इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, व्हाट वुड बी द टेंपरेचर एट मिडनाइट, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है व्हाट वुड बी द टेंपरेचर एट मिडनाइट, टेंपरेचर एट मिडनाइट हमें फाइंड आउट करना है, टेंपरेचर एट मिडनाइट हमें फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि मिडनाइट तक कितने आवर्स पास हो चुके हैं,
अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं 12 नून की 12 बजे दोपहर की, तो जब मिडनाइट होगा, मिडनाइट का मतलब भी होता है रात के 12 बजे, तो जो टाइम जो निकल जाएगा वो चला जाएगा 12 आवर्स। टाइम स्पेंड कितना हो जाएगा 12 आवर्स। सो 12 आवर्स आर पास्ट, 12 घंटे पास हो चुके। तो टेम्परेचर कितना गिर जाता है हर आवर में -2, तो जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब सुबह के या दोपहर के 12 बजे से जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा रात के 12 बजे तक, वो कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय -2, 12 आवर इनटू -2, ये इक्वल हो जाएगा -24 के। इट विल बी इक्वल टू -24। ये जो -24 है इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे हमारे 12 नून के टेम्परेचर में जो कि था हमारे पास +10। सो फाइनल टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट 12 बजे जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट टेम्परेचर विल बी +10 -24। हम +10 के अंदर ऐड कर देंगे -24, तो जो टेम्परेचर है दैट विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा हमारा -14 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से भी 14 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज, एन एलिवेटर डिसेंड, क्वेश्चन है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट। एलिवेटर डिसेंड कर रही है, जो लिफ्ट होती है वो डिसेंड कर रही है, नीचे जा रही है, एक माइन शाफ्ट है, मतलब एक जो खदान है उसकी शाफ्ट में, उसके रास्ते में, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। उसका रेट क्या है डिसेंड का, रेट ऑफ डिसेंड 6 मीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में जो डिसेंड हो जाता है वो होता है 6 मीटर। फिर क्या हम लिख सकते हैं डिसेंड इन 1 मिनट, वो किसके इक्वल है हमारे पास, वो इक्वल है हमारे 6 मीटर के, या हम कह सकते हैं -6 मीटर, -6 डिसेंड हो जाता है। इफ द डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, डिसेंड स्टार्ट कहां से होता है, डिसेंड स्टार्टेड 10 मीटर अबव, 10 मीटर अबव का मतलब क्या है +10, जमीन से ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव से वो शुरू हुआ, 10 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, टू रीच -350, मतलब जो डिसेंट है वो हमें स्टार्ट करना है +10 से और पहुंचना कहां तक है -350 तक, और -6 पर मिनट वो चल रहा है, मतलब एक मिनट में वो -6 डिसेंड होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन हाइट क्या होगा, मतलब डिसेंट कितना करना है। अभी वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव है, तो ग्राउंड लेवल से -350 डाउन जाना है, तो क्या करेंगे, जितना नीचे जाना है -350 उसमें से अभी जहां पर है अबव 10 मीटर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड, कितना डिस्टेंस हमें अभी डिसेंड करना है वो हो जाएगा -350 -10, this will be equal to -360 meter, मतलब हमें -360 meter descend करना है, -360 meter तक नीचे जाना है, नीचे की तरफ जाना है। अब अगर एक मिनट में -6 meter descend करते हैं तो कितने मिनट लगेंगे हमें descend करने में -360 meter, तो देखिए time required की value क्या हो जाएगी, अगर -360 meter descend करना है हमें -6 meter पर मिनट, एक मिनट में -6 meter और -360 meter टोटल डिसेंड करना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा 60। जब हम डिवाइड करेंगे 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 60, और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को, एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो +1 होता है।
अब क्योंकि ये एक मिनट में डिसेंड कर रहा था 6 मीटर, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो आया हमारे पास मिनट्स में 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1 आवर। मीन्स हमारी जो एलिवेटर है उसको +10 मीटर से -350 मीटर पहुंचने में 1 आवर का टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल फॉर योर चैप्टर। Chapter 1 is completed now. Now, in the next lecture, we will be moving to the another chapter. This was the end of the lecture 9. Thank you.